नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर एंड आवर चैनल समाप्ति एक्सप्लोर। तो दोस्तों, आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो ये पूरा एक अलग सा टॉपिक है, क्योंकि ये जो ड्रेस पहनी हूँ ना, मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, पहले थी अभी भी हूँ, लेकिन ये ड्रेस के ऊपर ना लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं है। कोई बोलते हैं ये तेरा पापा लेबर है, कोई बोलते हैं ड्राइवर है, कोई बोलते हैं वर्कर है, बहुत कम लोग ही बोलते हैं कि इंजीनियर है। तो मुझे लगा कि हम जानेंगे तो हमारे बच्चों को बता पाएंगे कि ये क्यों पहनते हैं और किस किस सिचुएशन में ये ड्रेस अलग अलग होता है। हर जैसे वर्कर जो पहनते हैं ना वो ड्रेस, और इंजीनियर जो प्लांट पे काम करते हैं ना उनका ड्रेस पूरा अलग होता है, और इसके ऊपर ना बहुत सारा मशीन भी लगाया हुआ रहते हैं। ये देखिए, तो मैं एक एक करके सारा चीज़ डिस्क्राइब करूँगी। तो ये जो ड्रेस है ना, ये जो वर्कर जो लेबर लोग बाहर काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनके काम गलत है, कुछ है, मतलब छोटा काम बड़ा काम ऐसा कुछ नहीं है, सब काम के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ये जो बाहर रास्ते पे रोड कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं ना, उनका जो ड्रेस है वो डस्ट प्रूफ रहता है, और जो माइन वगैरह में काम करते हैं वो फायर प्रूफ रहता है। लेकिन ये जो ड्रेस है ये मेरे हस्बैंड का है, वो प्लांट पे जाते हैं, ये ड्रेस है हीट और फायर प्रूफ। जो प्लांट में कहीं पे फायर और हीट, जो ये लोग बहुत धूप में, मतलब डेजर्ट प्लेस में प्लांट होता है वहाँ पे काम करते हैं, तो हीट प्रूफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो स्ट्रिप्स देख रहे हैं ना, ये पूरा अंधेरे में पूरा ग्लो करेगा। ये तो सारे जो जितने सारे लोग ये पहनते हैं, जो भी वर्क करते हैं, तो उनके सारे में ऐसा ग्लो करता है। ये हो गया कपड़े का, अभी मैं पहन लेती हूँ सारा चीज़, उसके बाद एक एक करके मैं डिस्क्राइब करती हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए पूरा ड्रेस, अभी मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड जाते हैं जो कतर के या किसी, ये लगाने के बाद में पूरा बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, मैं ये खोल देती हूँ थोड़ा सा ऐसे। तो ये होता है मेरे हस्बैंड का फुल गेटअप, ओके, फुल ड्रेस। तो ये जाते हैं प्लांट पे, कतर गैस की प्लांट है, कहीं पे भी प्लांट पे जाते हैं। प्लांट क्या होता है ये देखिए पिक्चर में, ऐसा ऐसा रहता है, बहुत सारा पाइपलाइन रहेगा, बहुत कुछ रहता है, बहुत गैस तेल सब का वहाँ पे पाइपलाइन रहता है। तो सारे चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा कुछ पहनता पड़ता है जब प्लांट पे जाते। अभी प्लांट पे जाने के बाद ना, आपको हर तरीका का गैजेट आप नहीं ले जा सकते हैं, पर्टिकुलरली उनका ही जो गैजेट है वही ले जा सकते। ये एक गैजेट है, और ये हो गया H2S गैस डिटेक्टर। H2S गैस जैसे लेवल हाई होगा ना, तो लोगों की तुरंत डेथ हो सकता है। कभी भी कोई भी जैसे पाइपलाइन लीक हो गया, तो गैस लीकेज के कारण गैस बाहर आएगा, और H2S गैस लोगों के लिए, इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इमीडिएटली डेथ हो सकता है। तो ऐसा ये इंडिकेटर है, ये डिटेक्टर है H2S के लिए, ऐसे सारे गैस के लिए अलग अलग डिटेक्टर और गैजेट है। तो ये हो गया एक, और इस तरफ देखिए मैंने एक मास्क लगाया है। ये जो मास्क है ना, ये ड्रैगर पैरट 4720, ये वन टाइम यूज़ मास्क है। ये देखिए आप पिक्चर में, ऐसा मास्क यूज़ करते हैं, जब भी ऐसे ही कुछ गैस लीकेज कुछ भी इंडिकेट करेगा ना, तो ये मास्क को ऐसे तुरंत निकाल के फेस पे लगा के उस दिन उतने मिनट में यहाँ से भाग जाना है। तो ऐसा है इसका सीन। और ये हो गया हेड प्रोटेक्टर, ये हेलमेट है, और हेलमेट के साथ ये हो गया ईयर प्रोटेक्टर, आइस प्रोटेक्टर, और है सेफ्टी शू। रुके मैं दिखाती हूँ सेफ्टी शू। ये हो गया सेफ्टी शू, इसका वेट नियर अबाउट 2 to 3 kg होगा, इतना हाई वेट है। और ये फुल्ली सेफ्टी क्यों है, क्योंकि वो लोग जहाँ पे काम करते हैं बहुत सारा चीज़ टूटा फूटा भी हो सकता है, सब चीज़ों के ये प्रोटेक्ट करता है, नॉर्मल शू से पूरा अलग है। तो अभी आता है ये सब चीज़ कौन पहनता है, सिर्फ लेबर ही पहनते हैं? बिल्कुल नहीं।
आप कातार गैस के अंदर इंजीनियर से लेकर डायरेक्टर लेवल की जो भी इंसान हमारे शेख भी उस प्लांट में जाएंगे ना, उनको भी ये सारा कुछ पहनना ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। क्यों अनहोनी होने के लिए, एक्सीडेंट होने के लिए कोई बता के तो नहीं आएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो जानलेवा जगह पे प्लांट पे ये सब पहनना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आज ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ड्रेस के ऊपर किसी के डेजिग्नेशन या कुछ भी जज नहीं करना चाहिए। हर एक ड्रेस का अलग अलग चीज़ होता है, हर एक ड्रेस का जगह अलग अलग होता है। सेम ड्रेस एक जन पहन लिया तो वो भी वही जॉब नहीं करते हैं। तो हम जानेंगे तो हमारे बच्चे को भी बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही है, थोड़ा जानकारी वाला वीडियो है, कोई ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।